का मामला है, कचरा प्रबंधन पर सुनवाई थी, क्या हुआ इसमें? देखिए, ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी जो कि एक समय में जीवनदायिनी थी ग्वालियर की, आज अपने को बचाने के लिए लड़ रही है और उसको बचाने के लिए ग्वालियर का हर एक व्यक्ति लड़ रहा है माननीय न्यायालय के माध्यम से। और आज उसमें सुनवाई थी, उस सुनवाई के दौरान जिस तरीके से अधिकारियों ने इस नदी को लाभ का अड्डा बनाने का काम किया और सरकार को गुमराह करने का काम किया, उसी तरीके से आज स्पष्ट जिम्मेदार अधिकारियों ने, आला अधिकारियों ने कर दिया कि वो न्यायालय को भी गुमराह कर रहे हैं। निगम कमिश्नर ने ये कहा न्यायालय में कि अमृत 2.0 से जो ट्रंक लाइन, जो सीवर लाइन इसमें बहती है अंदर, उसका कोई लेना देना नहीं है और उसे उसका भार डाल जो नई लाइन बिछेगी उसमें लगभग 650 करोड़ रुपए का खर्चा है। और आज एक बैठक का जिक्र किया गया कि भोपाल में बैठक हो रही है और वो ट्रंक लाइन से संबंधित हो रही है, उस सीवर लाइन से संबंधित, लेकिन जब उस रिपोर्ट को न्यायालय ने चेक किया तो वो अमृत 2.0 से संबंधित थी, उसमें कहीं ट्रंक लाइन का जिक्र नहीं था, सीवर लाइन का जिक्र नहीं था, स्वर्णरेखा नदी की सीवर लाइन का। तो इस पर माननीय न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की और जब उस रिपोर्ट को माननीय न्यायालय ने आगे पढ़ा तो वो भोपाल के आला अधिकारियों की, जिम्मेदार अधिकारियों की वो रिपोर्ट, वो नोटशीट में जब एफिडेविट चेक किया तो वो एफिडेविट ग्वालियर के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एफिडेविट था। मतलब आप देखिए किस तरीके से वहाँ के अधिकारियों पर, वहाँ के अधिकारियों की रिपोर्ट पर ग्वालियर के एक अधिकारी को बलि का बकरा बना के एफिडेविट पेश कर दिया जाता है और जब न्यायालय उस WRD के अधिकारी को बुलाता है तो वो स्पष्ट तौर पर न्यायालय के सामने कह देता है कि मैंने ये एफिडेविट साइन नहीं किया, मुझसे करवाया गया और मुझे इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है। इस पर माननीय न्यायालय ने बहुत गंभीर संज्ञान लेते हुए डांट लगाई है, फटकार लगाई है और माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आप इस पर भोपाल के अधिकारियों से बैठक कर, उनसे चर्चा कर, दोबारा से एक रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करें और अगली सुनवाई 24 जनवरी निर्धारित की गई है इसमें।